सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो होगी हमारी हिंदी में, बिकॉज ऑफ कई बंदे मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को तुम्हारी वीडियो जो है वो पंजाबी में समझ नहीं आ रही और आपकी वीडियो इंफॉर्मेटिव है, सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बनाऊँगा हिंदी पे, क्योंकि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी है, बिकॉज इट इज़ ऑन एज यू सी द टाइटल लाइन, इट इज़ ऑन PR बेसिस। सो सब लोग बड़ी क्यूरियस हैं कनाडा में PR लेने के लिए, तो नया जो प्रोग्राम है वो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ उस प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम का नाम है रूलर एंड नदरन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसमें कि फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, जिसमें लो फंड्स चाहिए और कम आयल्स मैन चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सो इस प्रोग्राम में 11 कम्युनिटीज़ ने, जो 11 कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा है, जिनकी मैं पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि जो 11 कम्युनिटीज़ हैं, और इन 11 कम्युनिटीज़ में क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो हैं वो मूव हो रहे हैं, ज़्यादातर जो पर्सनस PR ले रहे हैं वो टोरंटो वैनकूवर इस साइड ले रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पहले से ही है। और अब यहाँ पे नया प्रोग्राम जो आया, और जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जॉब्स निकाली गई हैं, और गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम निकाला है जिसका जो मोस्ट अवेटेड था, बहुत बंदे इस प्रोग्राम का वेट कर रहे थे। फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है और मैं इसको आपको ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 CLBs कैटेगरीज हैं, CLB 4, CLB 5 एंड CLB 6। CLB 4 में C और D कैटेगरीज हैं, CLB 5 में B हैं, और CLB A में 0 और A हैं। ये 4 कैटेगरीज हैं, A, B, C, D और 0, ये 4 कैटेगरीज आती हैं। अब जिसमें CLB 6 में हमें IELTS बैंड चाहिए, जिसमें हमें IELTS स्कोर चाहिए रीडिंग में 5 एंड रेस्ट ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग में 5.5 बैंड चाहिए। बहुत कम रिक्वायरमेंट है इनमें बैंड्स की। और आपको जो फंड्स दिखाने हैं, अगर आप एक बंदे की PR करने के लिए आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली $8,700, अगर आप दो बंदों की PR के लिए आ रहे हैं तो आपको 10,000 से ऊपर, अगर तीन बंदों के लिए आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 से ऊपर, और ऐसे ही जैसे जैसे आपके मेंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपनी फ़ीस बढ़ती जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली ये 20,000 से ऊपर चले जाती है जब आप 5 से 6 बंदों की PR के लिए फाइल करते हैं। सो इससे आगे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इंडिया में से डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए, और आपको कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऐसे होना चाहिए कॉन्टीन्यूसली। आप ये इस प्रोग्राम में आप हर एक पर्सन इन्वाइटेड है, वेदर ही इज़ फार्मासिस्ट, इंजीनियर, डेंटिस्ट, बुचर, क्लर्क, CA एंड आर्किटेक्चर एंड यू नो, हर एक बंदा इनवाइटेड है इस प्रोग्राम में, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट अभी होनी है वहाँ पे ऐसे बंदों की और स्किल्ड पर्सन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको IELTS जो ऑब्टेन IELTS रिपोर्ट को, जो आपकी IELTS रिपोर्ट होगी उसको आपने लेना है, और उसके बाद आपको ECA रिपोर्ट होती है, ECA रिपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ECA रिपोर्ट्स, वहाँ पे आप लिंक क्लिक करके वहाँ से अपनी ECA रिपोर्ट्स, उसका मीनिंग ये है कि आपने अपने इंडिया में से हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री करा हुआ है, आपको वो चीज़ लेनी है। और उसके बाद WESORG में आपको जाके ये ECA रिपोर्ट लेनी है, एंड देन आफ्टर उसमें आपने अकाउंट क्रिएट करना है। आपका थर्ड स्टेप इज़ दैट, सेकंड स्टेप आपका है कि आपको ECA रिपोर्ट लेनी है, एंड द थर्ड स्टेप इज़ दैट आपको saltste.mary में जाके जाना है, वेबसाइट को विज़िट करना है, वहाँ पे अपना एम्प्लॉयर ढूंढना है कि आपको इस चीज़ में आपको जॉब चाहिए, और जॉब आपको जब चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुचर में जॉब चाहिए, आप एक बुचर हो और आपको वहाँ जॉब चाहिए, मीट शॉप पे जॉब चाहिए, ओके। सो आप वहाँ पे क्लिक करोगे कि मेरे को इस कैटेगरी में जॉब चाहिए, तो आपको वहाँ पर लिख कर आ जाएगी कि आपको इस कैटेगरी में जॉब है और कहाँ पर है, जो 11 कम्युनिटीज़ में से कौन सी कम्युनिटी में है, ओके। सो आपके पास वहाँ पे आपने अपना रिज्यूम अपलोड करना है और वहाँ पे सबमिट करना है अपना रिज्यूम ड्रॉप करके। और फिफ्थ पॉइंट है रिकमेंडेशन, आपको बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 1 नवंबर से शुरू हो रहा है,
फर्स्ट ऑफ नवंबर से कई प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं और कई प्रोग्राम्स हैं फर्स्ट ऑफ जनवरी से शुरू हो रहे हैं, बट इनमें से एक कम्युनिटी है जो फर्स्ट ऑफ अप्रैल को शुरू कर रही है 2020 में। मोस्ट ऑफ द जैसे 11 कम्युनिटीज है जिसमें से 4 और 5 कम्युनिटीज़ हैं जो फर्स्ट ऑफ नवंबर को शुरू कर रही हैं और 3-4 जो हैं वो फर्स्ट ऑफ जनवरी को शुरू कर रही है और एक कम्युनिटी ऐसी है जो शुरू कर रही है फर्स्ट ऑफ अप्रैल को। और आपके चेक करते रहना रिकमेंडेशन के लिए, और जैसे ही रिकमेंडेशन आ गई और उसके बाद आप अपने पीआर के लिए फाइल कर सकते हैं। आपको 6 to 8 months आपको वहाँ पे काम करना है, आपको वहाँ पे रहना है और उसके बाद आप पीआर फाइल कर सकते हैं अपनी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट प्रोसेस, फास्ट ट्रैक प्रोसेस है पीआर के लिए कनाडा में, जो नया रूल आया। एट लास्ट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे कैसे किस किस चीज़ को में अप्रोच करना है, जो कैंडिडेट है या जो भी कोई एट लास्ट में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है वो कैसे कैसे अप्रोच कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट है उसको, जिसने ऐसे पायलट प्रोग्राम में आना, उसको पहले एम्प्लॉयर को अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करने के बाद वो जो एप्लीकेशन है वो अपनी कम्युनिटी में भेजेगा फॉर द रिकमेंडेशन, और वहाँ पे कम्युनिटी चेक करेगी कि वो चीज़ के लिए वो एलिजिबल वहाँ पे है कि नहीं है, योर बैंड स्कोर, योर एवरीथिंग, सब कुछ जैसे जो इमिग्रेशन चेक करता है। और करने के बाद अगर आप वहाँ पे सही फिट बैठते हुए तो आपको वो अपनी इनविटेशन लेटर भेज देंगे। भेजने के बाद फिर उसके बाद जो है आप वहाँ पे काम करोगे, जैसे मैंने आपको बताया 6 से 8 महीने या 1 साल तक आप वहाँ पे काम करोगे। उसके बाद आप IRCC में अपनी PR फाइल कर सकते हो। फिर आप जब आप PR फाइल करोगे अपनी IRCC में, फिर इमिग्रेशन आपके जो पेपर्स हैं वो सब कुछ चेक करेगी कि वहाँ पे आपने लीगली 1 साल काम किया है, कितनी देर काम किया। और आपको जो है वो फेडरल PR नहीं मिलेगी, वो आपको उसी प्रोविंस की पहले PR मिलेगी, उसी प्रोविंस की आपको PR मिलेगी। वहाँ पे आपको कम से कम 2 साल रहना पड़ेगा, 2 या 3 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी आपको इसलिए बुला रही है क्योंकि आपका एक प्रस्पेक्टिव जो है वो क्लियर है कि आपको सीधी उसी प्रोविंस में या उसी जगह पे आना है फॉर गिविंग योर गुड थिंग्स, और आपको अच्छा वहाँ पे काम करना है, तो इसलिए आपको कैनेडा गवर्नमेंट आपको वहाँ पे बुला रही है। बिकॉज ज़्यादातर बंदे, मैंने जैसे आपको बताया है कि वो अपने बड़ी प्रोविंसेस में जाते हैं, तो छोटी प्रोविंसेस में इतने पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे और ज़्यादा सेटलमेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है कि आप अगर आपके पास कम बैंड है तो आप वहाँ पे आके एक स्किल्ड पर्सन की तरह आप एक सर्व करें हमारे नेशन को। फिर उसके बाद जब आपको सब कुछ चेक हो गया होने के बाद और आपकी पूरा जैसे आपका क्राइटेरिया पूरा चेक हो गया, फिर आपको मिलेगी परमानेंट रेजिडेंस। ये प्रोसेस जो शुरू होगा 1 नवंबर से शुरू होगा। जिन जिनको मोस्ट अवेटेड ये चीज़ें हैं, मोस्ट अवेटेड ये प्रोग्राम है, जिनको बहुत ज़्यादा वेट था इन प्रोग्राम का, सो योर वेट इज़ ओवर, सो होप फॉर द बेस्ट। सो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अप्लाई करना है, जैसे आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैं नीचे सभी डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक्स डाल दूँगा, आप जहाँ पे जाकर आप वहाँ पे जाओगे, आप जैसे खोलोगे, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप जब साइट खोलोगे सॉल्ट मैरी की, आप जैसे साइट खोलोगे वहाँ पर वर्क का एक कॉलम आएगा, वहाँ पर आप जाके आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट डेट सबमिशन ऑफ रिज्यूमे की क्या है। आप उससे पहले पहले कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर की लास्ट सबमिशन डेट है, बिकॉज 1 नवंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उसके बाद जितना आप डिले करेंगे उतना आप डिले होते जाएंगे। सेट फ्रॉम द वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।